नमस्कार, हिंदू ज्वाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। जमाते इस्लामी हिंद की ओर से संपूर्ण महाराष्ट्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपराजधानी नागपुर में भी विभिन्न स्थानों पर शिविर का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि विगत 13 वर्षों से जमाते इस्लामी हिंद की ओर से हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर में सभी वर्गों के लोगों ने रक्तदान कर अपना सहयोग प्रदान किया। यूथ विंग जमाते इस्लामी हिंद की ओर से शहर के 8 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मोबिनपुरा, भालदारपुरा, टेकानाका, दहेगांव, कामठी एवं जाफरनगर स्थित न्यू चोपड़े लॉन में इस शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूथ विंग के महाराष्ट्र अध्यक्ष हुमैर खान ने कहा कि जब रक्त की जरूरत होती है तो लोग आगे नहीं आते, इसीलिए इस शिविर का आयोजन किया गया। ये महाराष्ट्र में ब्लड बैंक कितने जगह चल रहा है? पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 30 मुकाम पर जो है 30 प्लेसेस में ब्लड डोनेशन कैंप आज हो रहे हैं 19 अक्टूबर। ये ब्लड कैंप करने की प्रेरणा कैसे क्या मिली आप लोग को? ब्लड डोनेशन कैंप करने की प्रेरणा इस तरीके से मिली कि आप देखेंगे कि हमेशा जो है ब्लड की ज़रूरत सख्त मरीज़ों को पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद होता यह है कि लोग आगे नहीं आते डोनेट करने के लिए। तो इस वजह से ये यूथ विंग है, नौजवान इसके जो है मेंबर हैं, तो नौजवानों ने इस बात को सोचा कि क्यों ना हम जो है लोगों की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आए, और इसकी वजह से जो इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं, जो मसाइल खड़े हो रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश करें। तो इस वजह से यूथ विंग ने ये जिम्मा उठाया और हर साल जो है इस मौके से, सिर्फ इस मौके से नहीं, 12 रबीउल अव्वल के मौके से नहीं, बल्कि जब जब ज़रूरत पड़ती है, जब कभी भी अगर मेडिकल में या GMC में, IGMC में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तब तब हमारे वॉलंटियर्स जो है इस तरीके के कैंप जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं। कितने साल से हो रहा है इसको, इस टाइप का प्रोग्राम? ये 10 साल से ज़्यादा हो गया इस तरीके से रेगुलर हमारा जो है ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। रक्तदान शिविर में क्षेत्र के अनेकों युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं रक्तदान भी किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीडिया सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल रशीद, संगठन प्रमुख मतीन अहमद एवं कबीर खान का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर यूथ विंग के यूनिट प्रेसिडेंट अदनान खान ने युवाओं से एक अच्छे मकसद को साथ लेकर जुड़ने का आह्वान भी किया। नागपुर शहर में कितनी जगह ऐसा ब्लड कैंप चल रहा है? यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद की तरफ से हर साल जैसे बताया गया है कि इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, पिछले साल भी हुआ था, इस बार हमने पूरे महाराष्ट्र नागपुर की स्तर पर 8 ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। एक हसनबाग में किया गया है, एक मोइनपुरा में है, एक झिंगाबाई टाकली में है, हमारा यहाँ का जो है न्यू चोपड़े लॉन में है, एक कामटी में है, एक दहेगांव में है। संगठन की तरफ से और किस तरीके के सामाजिक कार्य किए जाते हैं? जमात इस्लामी हिंद की यूथ विंग के ओर से ये जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं। जमात इस्लामी हिंद भी और उसकी यूथ विंग भी बहुत सारे सोशल और सामाजिक काम करते रहती है। इसमें जो है ब्लड डोनेशन कैंप है, स्टूडेंट्स का गाइडेंस है, इसमें जो है जो लोग मतलब जिनकी समस्याएं रहती हैं उनकी समस्याओं को सुलझाना है। हमने DCSC के नाम से एक कोविड सेंटर भी शुरू किया, तो उससे भी बहुत सारे लोगों ने लाभ प्राप्त किया। हमारी समाधान करके एक जो है नॉन इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम है, जिससे जो है बिना कोई इंटरेस्ट के लोगों को लोन दिया जाता है उनकी समस्याओं के लिए। और इस तरह से बहुत सारे सोशल काम जमात इस्लामी हिंद और यूथ विंग करते हुए। युवाओं के लिए और क्या करना चाहती है संगठन? हम चाहते हैं कि युवा हमारे साथ में आए और हमारा सहयोग करें इस तरह के सामाजिक कामों में। फिर हम ये चाहते हैं कि युवाओं के अंदर जो है अखलाकियात और नैतिकता परवान चढ़े, उनके अंदर से अनैतिक कृत्य ख़त्म हो। फिर युवाओं को एक मकसद मिले, बेमकसद ज़िंदगी वो ना गुजारे, बल्कि वो मकसद के साथ में अपनी सोसाइटी के लिए उपयोगी हो, अपने समाज के लिए उपयोगी हो, अपनी कम्युनिटी के लिए उपयोगी हो, हम ये चाहते हैं। तो हमारा यही अनुरोध है सभी नौजवानों से, सभी युवाओं से, कि वो हमारे साथ में आए और हमारे साथ में काम करें।